हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड मस्ट वॉच माई वीडियो। तो चलिए, आज मैं आप लोग को एक न्यू टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है यूज ऑफ मे। तो सबसे पहले चलिए हम जान लें मे क्या है और मे का हम क्यों यूज करते हैं। मे एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जिसका हमारे लाइफ में डेली यूजेस है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसका यूजेस। तो फर्स्ट यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से विनम्र से विनम्र आग्रह करना हो तो वहां हम मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर, यहां आने के लिए काइंडली रिक्वेस्ट किया जा रहा है, हम्बल रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए यहां मे का यूज किया गया है। अदर एग्जाम्पल देखिए, इसे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आप सीख जाएंगे। कीप हैव पेशेंस। यूज योर पेन एग्जाम्पल में यह दिखाया गया है, मे आई यूज योर पेन, हम्बल रिक्वेस्ट किया गया है, पोलाइट रिक्वेस्ट किया गया है पेन यूज करने के लिए। इज इट ओके? नेक्स्ट पॉइंट, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी बताने के लिए, संभावना बताने के लिए, पॉसिबिलिटी मोर देन 50%। फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टूडे। देखिए इस एग्जाम्पल में यहां रेन की पॉसिबिलिटी दिखाई गई है, यहां पॉसिबिलिटी मोर देन 50% है। आई मीन टू से दैट अगर पूरे स्काई में क्लाउड्स हो और ऐसा लगे कि नहीं अब तुरंत वर्षा होने वाली है या श्योर वर्षा होगी ही, इन दैट केस आप यूज कर सकते हैं मे और आप बोलेंगे इट मे रेन। यहां देखिए, उसकी आने की पॉसिबिलिटी मोर देन 50% है, 80-90 maybe 95% भी हो सकती है, इसलिए हाँ मे का यूज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, विश या डिजायर। देखिए बारीकी से देखिए, समझिए, टू एक्सप्रेस विश और डिजायर हम अपनी हैं तो हम मे का यूज करते हैं, और हमारी डिजायर पॉजिटिव सेंस में भी होती है, निगेटिव सेंस में होती है, तो आप किसी भी सेंस में अपने डिजायर को एक्सप्रेस करते हैं तो आप मे का यूज कर सकते हैं। मे यू लिव लॉन्ग। इस एग्जाम्पल में मे का यूज करके अपने विचार को, अपने फीलिंग्स को, डिजायर को एक्सप्रेस किया गया है और बताया गया है कि आप दीर्घायु हो, आपकी उम्र लंबी हो, ऐसी मेरी मनोकामना है, ऐसी मेरी इच्छा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मे यू ग्रांट विद गुड नॉलेज
मे यू ग्रांट विद गुड नॉलेज, आपकी अच्छी ज्ञान हो, आपकी बुद्धि बढ़े, तो ऐसी एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसी फीलिंग्स बताने के लिए, ऐसे डिजायर्स एक्सप्रेस करने के लिए, देखिए यहां मे का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, मे ही डाई। इस एग्जांपल में देखिए यहां विश एक्सप्रेस किया गया है, बट पॉजिटिव सेंस में नहीं, निगेटिव सेंस में। अगर हम किसी से हो जाते हैं, नाराजगी हो जाती है, तो उस सेंस में हम कुछ ऐसे वर्ड बोलते हैं जो बोलना नहीं चाहिए, उस स्थिति में भी मे का यूज किया जाता है। तो इसे क्लियर है कि मे ही डाई मतलब वह मर जाए, आप उसको कर्ज कर रहे हो, अभिशाप दे रहे हो। नेक्स्ट यूज टू एक्सप्रेस पर्पोज ऑफ वर्ब। देखिए इसमें वर्ब का क्या उद्देश्य है, कोई काम हम क्यों करते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए मे का यूज करते हैं। कोई भी व्यक्ति काम करता है तो श्योरली उसका कोई ना कोई अपना उद्देश्य होता है। विदाउट एम, विदाउट टारगेट कोई व्यक्ति काम नहीं करता है, तो उसके उस पर्पोज को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सो दैट ही मे अर्न मनी वो काम करता है, उसका क्या उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है अर्न मनी, पैसा कमाना। पैसा कमाने के लिए ही वो वर्क करता है, वह काम करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही टीचेस सो दैट ही मे हेल्प द नीडी स्टूडेंट्स। वो पढ़ाता है, उसके पढ़ाने का उद्देश्य कि जितने भी जरूरतमंद स्टूडेंट्स है उसकी मदद कर सके। वैसे स्टूडेंट्स जो एबल नहीं है फी देने में, उसको वो मदद करने के लिए पढ़ाता है। यहां इस सेंटेंस में उसका यह उद्देश्य होता है कि वैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता है जिसके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई अवसर नहीं है, तो वह फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाकर उसका मदद करना चाहता है। आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे, तो आज का क्लास में बस इतना ही। और मैं कहना चाहूंगा कि मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड शेयर इट।